tao. हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घरों में ठीक होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं यहाँ पे। और आज हम आए हैं रुड़की घूमने के लिए। बाहर निकले हैं बहुत दिनों से, क्योंकि मौसम एक महीने से तो ख़राब ही चल रहा था, तो कोई वीडियो भी अच्छी नहीं बन पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो कहीं घूमने जाएंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। हम IIT भी गए थे रुड़की, बट हमको ना गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब हम कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं जिससे मैं वीडियो बना पाऊँ। देखते हैं कोई अच्छी जगह मिलती है, बट हमको कोई भी मतलब अच्छी जगह नहीं मिल रही है बस इस नदी के अलावा। और इनसे मैं पूछती हूँ कि यहाँ पे कोई अच्छी जगह मिलेगी घूमने के लिए, नहीं तो ये दोनों बताओ। हम लोगों को ना कोई भी अच्छी जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे घूमने के लिए, कुछ भी मतलब है नहीं यहाँ पे रुड़की में ना ज़्यादा घूमने के लिए। अंदर तो फिर भी वाटरों में पार्क पूर्क तो है, बट बाहर एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे, उसमें भी इतनी भीड़ लगी है। और देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो वीडियो बनाएंगे। देखिए हम ऊपरली साइड जो रोड दिख रही है ना, वहाँ जाके देखते हैं कि उस साइड को क्या है। इस साइड तो कुछ भी अच्छा नहीं था देखने के लिए। देखिए पल्ली साइड आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पे भी पानी ही दिख रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मैंने सोचा था कुछ अच्छी जगह ले जाएंगे घुमाने के लिए, बट ये जहाँ देखो पानी पानी है और कुछ भी नहीं है। उसमें भी देखो कितनी भीड़ लगी आदमी लोगों की। इस ब्रिज में क्या है? ये ब्रिज के ऊपर से इसमें क्या आ रही है, नहर आ रही है। कैसे ब्रिज नीचे है? ब्रिज इसके नीचे जमीन है। अच्छा, जूम करके दिखाती हूँ। हाँ, जमीन के ऊपर से नहर आ रही है। हाँ, दिखाओ दिखाओ, आ जाओ। अच्छा, ये ब्रिज के ऊपर है नदी, ऊपर से नहर आ रही है। अच्छा, और इसके नीचे जमीन है। अच्छा, चलो नीचे चलते हैं ना। इसके नीचे चलते हैं ना, ब्रिज के नीचे। क्यों, सीढ़ी तो है जाने के लिए, है ना सीढ़ी। अच्छा, लॉक लगा है। ये पूरा ब्रिज के ऊपर से आ रहा है, ये इसमें पानी है और ये बीच वाला खाली है ना, बीच वाला खाली है और फिर उस साइड को फिर पानी है। अच्छा, पानी के नीचे, अच्छा नहर के नीचे गाड़ी लगी है। अच्छा, ये ऊपर है ना, मतलब पानी ऊपर ऊपर है और नीचे पूरा ही वो है ना, बहुत ही लंबी है ना ये। हर जा रही है ये ब्रिज के ऊपर ऊपर ही है, समझे? ओके। देखिए हम अभी यहाँ से आए थे और यहाँ से नदी ना स्टार्ट हो रही थी, और इधर पे जाके जो इसके नहर का जो ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे एंड है इसका, बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे। और इतनी लंबी जो है नहर बनी है ये।
वहाँ से हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है और यहाँ पे जाएंगे हम लोग। सिर्फ ये ही पार्क है यहाँ पे, और गर्मियों में ना बहुत ही भीड़ रहती है, क्योंकि मैं यहाँ तक तो आई हूँ। जहाँ हम पहले गए थे वहाँ पे नहीं गई थी, आज मैं फ़र्स्ट टाइम पे गई थी वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत भीड़ है शाम के टाइम पे। और देखिए ये यहाँ की इतनी बड़ी सी नदी। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, बट वहाँ पे अभी ताला लगा है, तो हम लोगों ने दूर से ही दर्शन कर लिए और हम वहाँ पे नहीं गए। और ये जो पार्क है ना, दो जो नदी है उनके बीच में बना हुआ है। देखिए इस साइड को भी नदी है और दूसरे साइड को भी नदी है। देखिए ये बीच में बना है, देखिए दोनों साइड नदियाँ हैं और बीच में पार्क है। और ये है रुड़की का गंगा ब्रिज, देखिए बहुत ही बड़ा और सुंदर सा। इसके उस साइड को है शॉपिंग मार्केट हमारी, यहीं से ही हम सामान लेके जाते हैं, कपड़े हैं और जो भी फर्नीचर लेना है। इसके उस साइड को बहुत ही बड़ी मार्केट है, वहीं से ही हम सारा सामान ले जाते हैं। और देखिए ये है, आज आप लोगों को हर जगह पानी ही दिखेगा। देखिए ये बहुत ही सुंदर सी नदी। और उसके बाद हम आ गए हैं विशाल मेघा मार्केट में। वैसे सामान तो कुछ लेना नहीं है, मैंने बीच रास्ते में पड़ता है विशाल मेगा मार्केट, तो हमने सोचा देखते हैं कुछ अच्छा सामान आया, अगर कुछ पसंद आया तो लेके जाऊंगी यहाँ से। यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर कुशन कवर थे, बट पूरा सेट नहीं मिल रहा था, किसी में दो पीस मिल रहे थे जो पसंद आ रहा था, तो किसी में तीन या चार पीस ऐसे। मुझे पांच का सेट चाहिए था तो मैंने नहीं लिया फिर कुशन कवर। विशाल मेघा मार्केट में आने के बाद ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कुछ न लेके जाऊं बर्तन यहाँ से,
तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि ये दो छन्नी मेरे को पसंद आई है, इसमें से कौन सी अच्छी है। वैसे तो है मेरे पास ऐसी छन्नी, बट वो थोड़ा सा चौड़े में है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली लेके जाऊँ, सुंदर लग रही थी तो मैं एक लेके आई। और मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतने सारे बर्तन रखे थे, कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, तो मैं ये ना परेशान हो जाते हैं मेरे साथ शॉपिंग करने में, बोलते हैं तेरे को कोई भी चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती है। और ये दोनों ना मेरे साथ रहते ही नहीं है, जैसे मैं शॉपिंग करने के लिए आती हूँ तो ये लोग दूसरे साइड चले जाते हैं और मेरे को अकेले ही शॉपिंग करनी पड़ती है। हम लोग ना घर पे पहुंच गए हैं, और घर पे आते ही मैंने सबसे पहले बर्तन धोए, क्योंकि मोटर वाला पानी आ रहा था गरम गरम, तो बर्तन धोने में अच्छा लगता है, तो मैंने जल्दी से बर्तन धोए और उसके बाद मैंने बना ली है चाय। आज का जो दिन था बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि ना हम लोगों ने सोचा था कुछ अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, और हम लोगों ने ना बहुत लोगों से पूछा कि यहाँ कुछ अच्छा है देखने लायक, तो किसी ने बताया था, साहिल कहाँ पे बोला था, क्रिस्टल वर्ल्ड। हाँ, तो हम अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, वाटर पार्क है, तो गर्मियों में घूमने लायक है वहाँ पे बोल रहे थे, तो हम गर्मियों में ही जाएंगे, थोड़ा सा हल्की जब गर्मी पड़ेगी। और ज़्यादा तो कुछ नहीं है रुड़की में देखने के लिए, और बस वही ब्रिज है, और क्या है क्या है, कुछ नहीं, पतंजलि, पतंजलि। अच्छा, वो तो हरिद्वार रोड में पड़ेगा ना, तो वही तो बगल में। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, बट हम फिर उसके बाद नहर देख के आए, और वहां से हम होते हुए आए विशाल मेघा मार्केट, और विशाल से मैंने क्या लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, और वहां पे भी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था, तो मैं एक चीज छन्नी लेके आई हूँ, मैंने सोचा था इसमें सब्जी काटूंगी या फ्रूट काट के रख दूंगी, वैसे तो है मेरे पास छन्नी, बट मैं एक और लेके आई, और मेरा गुड़ ख़त्म हुआ था, गुड़ लेके आई हूँ, और एक ये लेके आई हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं की शॉपिंग। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर अच्छे से करेंगे शॉपिंग। आज हमने जाना है, अभी मूवी देखने जाएंगे हम दोनों, साहिल के पापा और मैं। साहिल नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर जी मूवी लगी है, तो हम दोनों जा रहे हैं देखने, और साहिल घर में ही पढ़ाई करेगा, तो हम निकलते हैं जल्दी से। हम लोग रेडी हो गए हैं मूवी के लिए, और साहिल के पापा और मैं जा रहे हैं मूवी देखने, साहिल को नहीं ले जाएंगे, साहिल रहेगा घर पे, और हम दोनों जा रहे हैं मूवी देखने, तो हम लोग निकलते हैं, क्योंकि देखिए 6:30 हो गया है, और हमने 6:30 बजे वहाँ पे पहुँचना था, बट पास में ही है तो हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। हम लोग ना मूवी देख के घर पे पहुंच गए हैं, और मूवी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ये तो बोल रहे थे इंटरवल पे ही चलते हैं घर पे, बट मैंने बोला आए हैं तो मूवी पूरी देख के ही जाते हैं, और अब मैं जल्दी से जाती हूँ, खाना पीना बनाना है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा कल, क्योंकि साहिल का स्कूल भी है। जो आज की वीडियो है मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।